आलिया। अगर आप नहीं जानते कि आज मैं कहां पर हूं, तो आप जरा कैप्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर कैप्शन नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूं कि हम आज मौजूद हैं और कहीं नहीं बल्कि Page 3 मेकओवर, जो कि एक सैलों भी है, उसी के साथ साथ एक नेल आर्ट स्टूडियो भी है और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि एक अकेडमी भी जो है। सबसे पहले तो यहाँ की ओनर से हम बातचीत करना चाहेंगे। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले तो ये कि Page 3 आज यहाँ पे जैसे ओपनिंग हुई है जम्मू में, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पहले बहुत क्लासा में था, अब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है लास्ट मोर गांधीनगर में। तो हमने पहले से फिर सैलून था, अब ये मेकअप अकेडमी भी है और ये नेल अकेडमी भी है। तो जो भी सीखना चाहते हैं मेकअप और नेल्स नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं और फ्लैट 30% डिस्काउंट में उनको इनॉग्रल ऑफर है। और बाकी रिलॉन्च ऑफर हमने रखा है फ्लैट 20% ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज। सबसे पहले जैसे तो मैम ने आपको ये बताया कि यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए इस बारे में, आपको चुप करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक। ओके, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से, कैसा लग रहा है कि आज यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, ओपनिंग हुई है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो काफ़ी देर से सोच रहे थे कि ये थोड़ा सा बीच में आ गया था कुछ प्रॉब्लम, अब ठीक है ये। तब जो भी यहाँ पे सीखना चाहता है आ सकता है, 30% डिस्काउंट आपको जैसे मैम ने बताया अभी पा सकते हैं। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, आपको अच्छा है, फ्रेंडली भी है, तो खा सकता है। एक खूबसूरत चेहरा है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो मैम। ओके, कैसे हो आप? मैं ठीक हूं। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि आपको कैसा लग रहा है कि इतना अच्छा ओपनिंग हुआ है यहाँ का, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्या बोलेंगे? एक्चुअली हम लोग तो पहले भी Page 3 के साथ जुड़े हुए हैं लास्ट लाइक ईयर से, तो अभी भी हम Page 3 के साथ ही हैं, जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली। तो एक जैसे घर को बड़े प्यार से बनाया जाता है, उसे सजाया जाता है, सेम हमारे लिए यही था। तो जिस तरह से बोला कि आप घर को बनाया जाता है, सजाया जाता है, मतलब कि इतनी प्यारी सी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी, हर एक इंसान बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड है किसी का, तो लाइक इसीलिए हम लोग इतनी देर से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कि ये जो रूम है यहाँ पर ब्राइडल जो है वो किया जाता है, सारा ब्राइडल मेकओवर्स किए जाते हैं। तो हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड। एक तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे जितने भी जम्मू में मैंने जो सैलून देखे हैं या जितने भी मेकओवर स्टूडियो देखे हैं, वहाँ पे शावर की सुविधा नहीं होती, यहाँ पे शावर की सुविधा आपने लगाई है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज लगी मुझे, क्या बोलेंगे आप इस बारे में? ये शावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये शावर हमारे स्पेशली ब्यूटिशियन के रूम्स में। इसके साथ ये है कि जब हमारे पास ब्राइडल्स आती है तो उनको हमने फुल बॉडी ब्लीच करना होता है, वैक्सिंग करना होता है, तो उसके बाद उन्होंने जब शावर लेना होता है तो हम उनको इसके अंदर भेज देते हैं, वो खुद से शावर लेते हैं, खुद से नीट एंड क्लीन होके वापस आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि अगर ब्राइडल खुद से वॉश होके आएंगे तो वो अपने आप को अच्छे से क्लीन करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि पूरा प्रोडक्ट बॉडी में से निकल जाता है, और उसके बाद पूरा बॉडी में से आफ्टर उसमें हमने वैक्सिंग करना होता है,
तो वैक्सिंग करने में हमें बहुत ईजी होता है बिकॉज हमारी बॉडी में प्रोडक्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए. कई बार तो ऐसा होता है कि वो चीज़ बॉडी पे चिपकी रह जाती है एंड इट फील्स रियली स्टिकी अबाउट इट. तो ऐसे चिपचिपा सा फील होता है, तो आप इसीलिए ये चीज़ शावर रखा है कि ताकि उनको एक बार कंफर्टेबल फील हो जाए खुद को वॉश करके. मैम बिल्कुल मैम, क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुद हाइजीन फील नहीं करोगे तो आप भी अनकम्फर्ट सा फील करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद अपने आप को हाइजीन फील करती है, देन उसके बाद हम उनका वैक्सिंग या कुछ भी अदर प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं. उसमें ये क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में प्रोडक्ट रह जाता है तो उसके ऊपर ही हम वैक्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें समटाइम एलर्जी या क्लॉट्स या पील होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोडक्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए. तो हमें पूरा प्रोडक्ट निकाल के उसके बाद ही पूरा नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट करनी चाहिए. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रोफेशनलिज्म को भी शो करवाता है. ये इसका होना बहुत जरूरी है हमारे रूम्स के अंदर. हेलो सर. हेलो मैम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसे हो? सब बढ़िया मैम. तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है सबसे पहले? अच्छा लग रहा है मैम, अपना यूनिट है, अच्छा लग रहा है. बैक टू होम आके इंसान को जितना कंफर्टेबल और जितना अच्छा फील होता है वो फीलिंग और कहीं नहीं मिलती है. सही बात. तो आप क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है सबसे पहले? सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ, काफी अच्छा हुआ जब अपने घर पे वापस आते हैं, जैसे सुकून मिलता है वैसे ही मिल रहा है. और बाकी अपने और भी क्लाइंट्स को मैं यही कहूँगा कि आपके भी घर खुल चुके हैं, आ चुके हैं, प्लीज आइए अपने घर में, रिलैक्स कीजिए, सर्विस लीजिए, एंजॉय कीजिए. और इस बार तो ये भी चीज देखने को मिली है कि आपका स्टाफ जो है इतना फ्रेंडली है कि अगर किसी से भी बातचीत करो तो दे आर लाइक वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो वी कैन डू इट. फैमिली है ना तो फ्रेंडली होंगे. और इसी के साथ साथ जो मैंने यहाँ का सिस्टम दिखा है, एक तो ये कि घूमने के लिए मतलब चलने के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, काफी मतलब खुला एक तरह से. हमारे यूनिट्स भी काफी स्पेसियस हैं, काफी बड़े लोकेशंस पे भी लोकेट किया हुआ है, फ्लोर्स भी काफी बड़े हैं और हमारे जितने भी सर्विसेज एरिया है वो काफी कम्फर्ट जोन पे हम लोगों ने क्लाइंट्स के वैल्यूएबल एक कम्फर्टेबल्स पे हम लोगों ने बना रखा है. तो इसीलिए क्लाइंट्स को कम्फर्टेबल के लिए हम लोगों ने उसी हिसाब से मेंटेनेंस और इंटरटेनमेंट हम लोगों ने करवा रखा है. थैंक यू सो मच आपने मुझे बातचीत की इसके लिए. ओके एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच. हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए. मैं भी बिल्कुल ठीक. इस तरह से आज जो आप लोगों ने शिफ्टिंग करके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि शिफ्टिंग है, मैं कहूँगी कि ये अपग्रेडेशन है, क्योंकि इस अप टू द मार्क देखने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है. यहाँ पे काफी स्पेशियस है, मजा आ रहा है. तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स किस तरह से यहाँ पर मतलब दोबारा फटाफट घूमते हुए आ जाएंगे? ऑफकोर्स मतलब जो लोकेशन है बहुत ही ज्यादा विजिबल है, पहले बहुत ज्यादा से ढक के रहती थी जगह, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ऑफकोर्स आएंगे और जो नहीं भी जानते उनको लोकेशन पता, आपने जैसे बता दिया होगा कि लास्ट मोड गांधीनगर है, तो मैं तो कहती हूँ जरूर आए और सर्विसेज का फायदा उठाएं. एंड इनफैक्ट सबसे पहली बात मैं भी ये बताना चाहूंगी कि पहले मुझे भी सोच में पड़ गई थी कि पता नहीं कहाँ होगा, पर लेकिन जब ढूंढने लगी तो मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, बड़ा इजीली मिल गया मुझे. और सबसे बड़ी बात सबसे पूछा है, आपसे भी पूछना चाहूंगी कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्ल्स को हमेशा एक्साइटमेंट रहती है इन चीज़ों में और मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइडल सीजन भी जो अभी शादियां वादियां वो आने वाली है, सीजन अच्छा आने वाला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा. ईशा मैम आप क्या कहेंगी, आपके लिए तो ये एक कहूंगी कि होम एनवायरनमेंट है, आप तो सच में कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्या बोलोगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरे लिए एक होम एनवायरनमेंट है बिकॉज मैं यहाँ पे काफी सालों से आ रही हूँ और यहाँ की सर्विसेज ले रही हूँ. एंड द रीज़न बिहाइंड यहाँ आने का ये है कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है और यहाँ सर्विस बहुत अच्छी मिलती है. सो दिस इज़ अ रीज़न कि मुझे हमेशा पसंद आया है और एक तो एक प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है. आई फील सो आप कहेंगे कि पॉकेट फ्रेंडली है. यस देखिए गर्ल्स टॉक हो रही है तो मैम ने खुद ही बता दिया पॉकेट फ्रेंडली है. तो मैं तो सिद्ध लाने भी यही आती हूँ. तो या और प्लस अब जो ये लोकेशन शिफ्ट हुआ है ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यहाँ कार पार्किंग का कोई इशू नहीं है. जैसा बाहू प्लाजा में रहता था मुझे कार पार्किंग का वैसे कभी प्रॉब्लम नहीं आया बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी रखे होते हैं बाहर लड़के जो हमारी कार पार्क आराम से करवा देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू भी नहीं है. और अब तो काफी स्पेशियस भी हो गया है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत स्पेशियस हो गया है. तो जिस तरह से यहाँ पे आपको तो यही आता है कि मैं रिलैक्स कर लूं, स्पेशियस भी हुआ है प्लस ये ब्राइट है पहले वाले से. वो काफी डार्क था जब एंटर करते थे, इट्स क्वाइट ब्राइट. सो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इनका इंटीरियर बहुत पसंद आया जो इन्होंने करवाया है. मैं आपकी बात इंटरप्ट करते हुए सॉरी पर लेकिन फिर से बोलना चाहूंगी कि ये यहाँ पर आके तो आप बस सुकून ढूंढने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आते होंगे. एग्जैक्टली बहुत बार ऐसा होता था, आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड कि जैसे मुझे कॉफी पीने का भी मन करता था, आई वॉन्ट टू रिलैक्स फॉर आवर और टू,
तो मैं यहाँ आ जाती थी चुप करके, हेड मसाज कराओ या हेड वॉश लो, प्लस कॉफी पियो, मजे करो, चिल करो। तो मैम ने भी बोला आओ पैम्परिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हमेशा रहता है। मैं हमेशा जब मुझे मन करता है मुझे सेल्फ पैम्पर करना है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ चुपके से। सो हम ये बोले कि सेल्फ पैम्पर प्लस सेल्फ लव। या तो मैम ने भी बोल दिया कि सेल्फ लव इज रियली इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर आप भी कभी भी चाहो आके रिलैक्स कर सकते हो। एग्जैक्टली, विदाउट वरिंग अबाउट योर पॉकेट। एग्जैक्टली, विदाउट वरिंग अबाउट योर पॉकेट। सो ईशा मैम, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर, मैंने जब आपकी आवाज़ सुनी थी स्टेज पे तो मैं तो यही कहूंगी कि सर क्या आवाज़ है आपकी, आपकी सिंगिंग का ऐसा कौन है जो कायल नहीं है? नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि आपके कान सुरीले हैं, आप खुद सुरीले हैं, तो इसलिए जो सुर वाला होगा उनको सुर अच्छा ही लगेगा। क्या बात है। मेरे ख्याल से तो यही है कि आपको, आप खुद अच्छी हैं, सुर में बोलती हैं, बोलने वाला भी सुर होता है, एक जिसमें आदमी सुरीला बोलता है ना जी, तो वो आपके पास है, आप बोलते भी बहुत सुरीला है, और मुझे क्या पता आप गाती भी हो। सर वो तो बहुत पहले की बात थी जब मैं गाया करती थी, पर लेकिन अब फिर भी, पर लेकिन मैं यही कहूंगी सर कि मैं आपकी सिंगिंग की कायल हूँ। मैं अभी ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं सर की सिंगिंग की कायल हूँ, और एक बार आप भी सर के सॉन्ग जरूर सुनिएगा। वैसे तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पर आए, यहाँ का जैसा आपने माहौल देखा, क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगा, जैसे मतलब यहाँ देख कर, ये इनका ये सैलून देख कर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि पहले तो थोड़ा दूर था, बहु प्लाजा में था, तो लोगों को थोड़ी असुविधा होती थी जी। लेकिन अब बिल्कुल सिटी के बीच में आ गए हैं, लास्ट मोड में, तो बहुत अच्छा मतलब इनका मुझे लगा देखकर, इनका सिस्टम बहुत अच्छा, और फिर उन्होंने एक अकेडमी भी साथ में प्लान की है, अकेडमी भी खोली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख कर। मैं तो बच्चों के साथ आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और भी ज़्यादा अच्छा होगा जब ये धीरे धीरे काम करेंगे यहाँ, तो अच्छा आउटपुट इनकी बहुत अच्छी आएगी जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और अपना जो कीमती वक्त है उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे साथ जाहिर किया। तो सर आपसे हमारी बातचीत फिर भी होती रहेगी, तो अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। ओके सर, ओके। टक्की नहीं चढ़ो पीड़ो, टक्की नहीं चढ़ो पीड़ो, गोटी नहीं गडोंदियो, ओ गोटी नहीं, गोटी नहीं गडोंदियो, बाई पीड़ंदियो, ओ बाई पीड़ंदियो, टक्की नहीं चढ़ोंदियो, लक्के पीड़ंदियो, लक्के पीड़ंदियो। हाय एवरीवन, मैं आज यहाँ पर पेस्ट्री सलोन में आई हूँ, और यहाँ पे इसकी आज रीलॉन्च है। बेसिकली ये पहले बाहू प्लाजा में था, अब शिफ्ट हुआ है लास्ट मोड़ गांधीनगर में, और ये मेरा तो मोस्ट फेवरेट सलोन है जम्मू का। एंड यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी है, जैसे कि अभी इनॉग्र ऑफ़र चल रहा है, जैसे आप अगर हेयर और ब्यूटी सर्विसेज पे 20% ऑफ है, तो यू मस्ट कम एंड अवेल दीज डिस्काउंट्स। और साथ में यहाँ पे एकेडमी भी है, नेल्स एंड ब्यूटी एकेडमी, अगर आप मेकअप एकेडमी, सो अगर आप अपने प्रोफेशनली इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी इन्होंने 30% ऑफ रखा हुआ है, विच इज़ अ बिग बिग अमाउंट। सो यू मस्ट कम ओवर हेयर और विजिट कीजिए, और बहुत सुंदर एम्बियंस है, बहुत ही अच्छी वाइब है, तो यू मस्ट कम और यहाँ पे अपनी सर्विसेज लीजिए एंड एंजॉय द ऑफर्स एंड एंजॉय द प्लेस। एंड मेरे ये जो बालों का कलर देख रहे हो, ये रिसेंटली मैंने यहीं से करवाया है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन, सो पेस्ट्री सैलून एंड इरा नेल बार हैज नाउ ओपन्ड इन लास्ट मोड़ गांधीनगर। इट्स अ वेरी ओल्ड ब्रांड एंड इज रीचिंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे डिजर्व इट ऑल। देयर सर्विसेज आर कमेंडेबल, बी इट नेल्स, बी इट हेयर, आई हैव बीन देयर, यू नो, वेरी ओल्ड कस्टमर एंड आई हैव बीन टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम दिस ब्रांड सिंस वेरी लॉन्ग, एंड आई मस्ट रिकमेंड एंड आई डू रिकमेंड दिस ब्रांड टू एवरी वन टू डू विजिट। एंड ऑल्सो इरा नेल बार एंड पेस्ट्री आर पुटिंग अप देयर नेल एक्सटेंशन का काउंटर एट 50% ऑफ एट काइट फ्लाइंग फेस्टिवल दैट इज हैपनिंग ऑन 7th of August। सो यू कैन अवेल देयर सर्विसेज देयर एज वेल एंड एन्जॉय द काइट फ्लाइंग फेस्ट ऑन 7th August। सो या, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी पीपल आउट देयर हु कैन, यू नो, कम एंड अवेल गुड ऑफर्स, इनॉग्रल ऑफर्स हियर।
एंड गेट देयर हैंड्स ऑन द सर्विसेज. है तो अब मैं भी आपको यही कहूंगी कि आप यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, एक ये पॉकेट फ्रेंडली है, नंबर टू ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तीसरा जो सबको प्रॉब्लम फिर भी आती होगी पर यहाँ नहीं आएगी वो है पार्किंग की भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर चार यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं. तो अब तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे मिलूंगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.